हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका धार क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे हिंदी की 23वीं क्लास। जी हाँ, हमारी 22 क्लास हो गई है और 23वीं क्लास आज स्टार्ट है। शब्द भेद की जो है आपकी तीसरी क्लास है ये, ठीक है, तीसरा पार्ट लेके आए हैं। आज हम कवर करेंगे शंकर शब्द किसे बोलते हैं, भिखारी शब्द किसे बोलते हैं, अविकारी शब्द किसे बोलते हैं। ट्रिक के माध्यम से PDF इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो भिखारी शब्द किसे बोलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं भिखारी शब्द। भिखार का मतलब होता है परिवर्तन। मैंने पहले भी आपको बताया था, भिखार का मतलब होता है परिवर्तन, यानी किसी भी चीज़ में परिवर्तन लाना। अगर किसी भी चीज़ में परिवर्तन लाते हैं तो उसे हम भिखार बोलते हैं। तो ऐसी ये भिखारी शब्द, जिन जिन शब्दों में अगर परिवर्तन हो जाए, जिन जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाए तो उसे भिखारी शब्द बोलते हैं। जैसे मुझ, मुझसे बनता है क्या, मुझे, ठीक है। और मुझे से हम मेरा भी बना सकते हैं, ठीक है। अब अच्छा, अच्छे सा बनता है अच्छे, ठीक, यानी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शब्द भी आते हैं जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे पर को हम जो है परो नहीं कर सकते, क्योंकि ये नहीं होगा, ठीक। तो ये जो है पर आपका अविकारी शब्द है, ठीक है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि शब्द जो होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के बताए मैंने, भिखारी और अविकारी शब्द, ठीक है। यानी भिखारी शब्द आपको पता चल गया होगा क्या, कि जिन शब्दों का रूप परिवर्तन हो जाता है उन्हें भिखारी शब्द बोलते हैं। जैसे कुत्ता, कुत्ते, कुत्तो, यानी चेंज हो गया ये, ठीक है। मैं का मुझे और हमें हो गया, ठीक है। अच्छा का अच्छे, ठीक है। खाता का खाते में चेंज हो गया, ठीक है। तो इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया भिखारी शब्द हैं, ठीक। ये क्या है, सारे के सारे भिखारी शब्द हैं। अब अभिकारी शब्द, अभिकारी शब्द का मतलब जिसमें परिवर्तन ना हो, ठीक है। तो एक बात और बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए यूजर्स हैं तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जितनी भी नेक्स्ट आने वाली वीडियो है वो तो आप तक पहुंच जाए। और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि नए नोटिफिकेशन के लिए। अब अभिकारी शब्द, यानी जिन शब्दों के रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता तो वे अभिकारी शब्द बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ किंतु, नित्य, ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड। तो क्रिया विशेषण, संबोधन और आपका समुच्चय बोधक शब्द, विस्मयादि शब्द आदि इसमें आते हैं, ठीक है। जैसे मैंने भी बता दिया आपको, पर एग्जाम्पल ले लिया मैंने, एक बाद मैंने एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। जैसे हमारा कल, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम बात करते हैं शंकर शब्द, ठीक है। शंकर शब्द कौन से होते हैं, शंकर शब्द का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जो आपको अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हैं उन्हें शंकर शब्द बोलते हैं। ये थोड़े से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तक आपने ये नहीं पढ़ा होगा, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। दूसरे शब्दों में अगर कहे जाए तो दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बनने वाले नए सार्थक शब्द को ये हम क्या बोलते हैं, शंकर शब्द बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे पहला हम उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है हमने बम वर्षा, ठीक है, बम वर्षा। अब इसको अगर हम बम वर्षा को तोड़ते हैं तो हम बम अलग तोड़ लिया हमने और वर्षा अलग तोड़ लिया। बम, देखो, बम का मतलब है BUM, यानी ये इंग्लिश का शब्द है। वर्षा, वर्षा जो है आपका वो हिंदी का शब्द है। क्यों, क्योंकि वर्षा की बनेगी रैन, रैन माने वर्षा, ठीक है। तो ये जो है वर्षा, ये आपका हिंदी का शब्द है, बम आपका इंग्लिश का शब्द है। इन दोनों को मिला के आपका बनता है बम वर्षा। देखो, तो मैंने अभी बताया, जब हम दो वाक्यों को या दो से ज़्यादा अगर वाक्यों का हम जोड़ते हैं लेकिन वे अलग अलग भाषाओं के होने चाहिए, तो वो हमारे शंकर शब्द कहलाए जाएंगे। जैसे हमारा दूसरा है रेलगाड़ी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपरों में। रेल, रेल का मतलब होता है इंग्लिश का शब्द है, ठीक है। क्यों, क्योंकि रेल को रेल ही लिखा जाता है, लेकिन गाड़ी को हम गाड़ी नहीं बोलते हैं, गाड़ी को हम ट्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेन, ठीक है। तो ये जो है आपके क्या हो गए, ये आपके हैं रेलगाड़ी, आपका एक शब्द हो गया आपका शंकर शब्द। अगला है टिकट घर, ठीक है। फिर आश्रु गैस, ठीक है, ये सारे के सारे ऐसे हमने इसको तोड़ लिया, ये हिंदी का शब्द, गैस आपका इंग्लिश का शब्द, टिकट आपका अंग्रेजी का शब्द, घर आपका हिंदी का शब्द है। तो ये है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिख रखे हैं, ठीक है। जैसे बस अड्डा, बस आपका अंग्रेजी का शब्द हो गया, अड्डा आपका देसी का शब्द हो गया। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल लिख रखे हैं मैंने यहाँ पे, ठीक है। इस PDF को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है नेक्स्ट ईयर में भी, ठीक है, और इस ईयर में भी, और आने वाले जितने भी पेपर हैं, ठीक है, नेक्स्ट एग्ज़ाम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस PDF के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो है, ठीक, ये आपके, अगर आप इस वीडियो को देख लोगे आप, ठीक है, तो ये तीनों के तीनों टॉपिक आपके कवर हो गए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।